मुलागी जो है वो दो भाग का शब्द है, एक है वू, दूसरा है लांगी, दोनों जोड़ का बनी है मुलांगी। जी वू का मतलब है फिजियन में एंसेस्टा, पुराना, हमारा पुराना जो पूर्वज है, जो ओरिजिन है हमारी, जी एंसेस्टा। और लांगी जो है उसका मतलब है फ्रॉम द होराइजन, बहुत दूर से। तो वुलांगी का मतलब है आवर एंसेस्टा फ्रॉम द हेवन या फ्रॉम द होराइजन। जी तो ये शब्द जो है इसको अगर जो आप समझ जाते हैं तो उसको फिर देखते हैं तुम्हारी एंसेस्टा कौन है। और कायविती प्रथा में हर एक जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी एक वू होती है, एंसेस्टा होती है। तो फिजी में बहुत से सारे फैमिली हैं और हर एक का जो वू है, एंसेस्टा है, अलग अलग है। तो जितने भी फिजियन फैमिलीज हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली जिसे हम कहते हैं, जो मान लो एक कोरो में रहते हैं, उनका वू अलग है। उनके लिए कोई भी बाहर का जो लोग है उसको वुलांगी कहते हैं, मतलब हमारा एंसेस्टा बहुत दूर से, होराइजन से। इंसान तो सब है इंसान, तो वुलांगी सब हो सकते हैं उस इलाके में। मान लो अगर जो एक जगह पर हम जाए, वहां पर जो कैबिटी रहते हैं, चाहे कैबिटी जाए, चाहे होरा जाए, चाहे भारतीय जाए, कोई भी जाए वहां पर, तो जो उस वू से नहीं आते, जो उस एंसेस्ट्री के नहीं है, वो सबको वुलांगी माना जाता है। तो कायविती भी अगर जो जाएगा एक कायविती के कोरो में या इलाके में, और उनका एंसेस्ट्री अलग अलग है अगर जो इमीडिएट एंसेस्ट्री, तो उसे बुलांगी कहेंगे। तो ये बात भारतीय नहीं समझते हैं। कोई गोरा कह दिया कि बुलांगी का मतलब है विस्टा, तो बस वही लेकर ढो रहे हैं कि अच्छा हम तो विस्टा है नहीं, हमारी पैदाइश यहाँ हुई है, हमारी नाभि यहाँ गड़ी है, हमारी पूर्वज की मिट्टी यहाँ दी गई है, या यहाँ पर जलाए हैं हम, इत्यादि इत्यादि। सर बुलांगी का जो सामाजिक आधार है वो अलग है, उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं। कितने लोग जो आपके सुनने वाले हैं जो कायविती भाषा जानते हैं, कितने लोग हैं जो कायविती संस्कृति को समझे हैं और अध्ययन करे हैं? तो भैया कोई भी समाज के, कोई भी भाषा के अगर जो शब्द निकालनी है उसको अच्छी तरह से समझो पहले, यही मैं कह रहा हूँ।